नहीं गया है। ये बोल रहे थे कि ये नाटक हो रहा है, नाटक में टीआरएस, एमआईएम, बीजेपी ये सब भाग ले रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ नाटक हो रहा है तो आप तो नाटक में भी भाग नहीं ले रहे हैं भाई साहब। नाटक में भाग लेने तो आओ, इन लड़ाई हो रही है नकली लड़ाई। इनके घर में एक ही लड़ाई होती रहती है। छुट्टी कहाँ मनाने जाएंगे? शिमला में जाएंगे, होनोलुलु में जाएंगे, बैंकॉक में जाएंगे, हांगकांग में जाएंगे। अरे सर छोड़िए सर, इतना इतना चिल्लाने की से फिर बीच में चिल्लाना शुरू, ये फिर चिल्लाना शुरू हो गए। दूसरी रोहित जी, आप छोड़ दीजिए इनका। मैं रोहित जी मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। आप जरा इनको बोलिए प्लीज, प्लीज जरा ये साथ समझ। चिल्लाने से कोई नहीं सुन पाएगा। एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके बोल ले। आता है, हमें मुद्दों पर बात करना चाहिए। कौन किसके साथ मिला हुआ है उसका उदाहरण मैंने दे दिया। 9 साल ये एआईएमआईएम के साथ थे, ये एक गठबंधन में ये सरकार चल रही थी। आज की परिस्थिति आपको समझना होगा। जहां तक ये टीआरएस, एमआईएम और बीजेपी का सवाल है, टीआरएस आज बोलने का प्रयास कर रही है कि नहीं, हमारा किसी प्रकार का गठबंधन एमआईएम के साथ नहीं है। आप हैदराबाद में उतर के आइए, किसी भी तेलुगु स्पीकिंग व्यक्ति से पूछिए, वो आपको बताएगा कि 2019 में किस प्रकार केसीआर ने कहा था, कारू सारू पद्यारू। मैं समझाता हूं इसका। कारू मतलब कार, इनका सिंबल है टीआरएस का, मतलब हमारा कारू। सारू, सारू मतलब सरगारू, सर मतलब इनके केसीआर, और पद्यारू मतलब पदी आरू, मतलब 16 सीट। हम कार सर के साथ मिलके केवल 16 सीट पे लड़ेंगे, जबकि 17 सीटें होती हैं, तो एक सीट इन्होंने ओवेसी के लिए छोड़ा हुआ था, केसीआर जी की पार्टी टीआरएस ने। तो ये उसी समय से अलायंस में चल रहे हैं, अभी भी अलायंस में हैं, और ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एमआईएम और टीआरएस अलायंस में नहीं है, ये पूरी तरह से यह झूठ है। ये हर कोई जानता है, भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य अपोजिशन बन के तेलंगाना में उभरी है, और मुख्य अपोजिशन के रूप में जो फाइट दे रही है, अब हम सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जनता जानती है। हमारी बिहार में कहा जा रहा था कि आपके दोस्त थे, जो यहाँ आप कह रहे हैं केसीआर के दोस्त थे, बिहार में भी उसी तरीके की बाढ़ की तस्वीरें, बल्कि उससे भी डरावनी हमने देखी थी। आपके मुख्यमंत्री रोहित जी, पहली बात तो मैं बता दूं, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। बिहार में ऑलरेडी सरकार बन चुकी है और बीजेपी की सरकार बनी है, अच्छा किया होगा तभी। एंटी इनकम्बेंसी 15 वर्षों के बाद नहीं रही और हमारी सरकार बनी। यहां पर आप एक्सपर्ट से पूछिए, तेलंगाना में जहां केवल हमारे पास एक ही एमएलए थे, आज हमारे 2 एमएलए थे। दुबाक्का कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात कर रहा था, जहां खुद हरीश राव जी इंचार्ज थे, अर्थात केसीआर के दामाद उसको संभाल रहे थे, सिद्दीपेट, बगल वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी सिद्दीपेट के वो एमएलए, वो खुद भार संभाल रहे थे, फिर भी केसीआर का परिवार वहां हार गया और हमारी सरकार बनी, जहां पहले 70,000 वोटों से लीड लेते हुए उनके विधायक थे। तो कहीं ना कहीं जो गढ़ केसीआर का था वो डेरा। जहां तक ओल्ड सिटी का सवाल है, जहां से ओवेसी आते हैं, कौन कहता है हम ओवेसी के मित्र हैं? ये राहुल गांधी कहते हैं। देखिए, ये कांग्रेसियों से पूछिए कि इन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 2013 तक मिलकर एआईएमआईएम के साथ सरकार चलाई थी। 2013 तक 9 वर्षों तक ये साथ बैठे थे, तो मित्र हम कैसे हो सकते हैं? हमने तो अपने पूरे के पूरे ताकत को झोंक रखा है यहाँ ग्रेटर म्युनिसिपल हैदराबाद कॉर्पोरेशन के चुनाव में। एक कांग्रेसी दिखाइए मुझे, एक कांग्रेसी सड़क पे दिखाइए, भूल जाइए राहुल जी सोनिया जी को यहाँ उतर के, एक कांग्रेसी सड़क पे नहीं आ रहा है, एक कांग्रेस से झंडा नजर नहीं आ रहा है।